वृंदावन का प्रवेश मार्ग है। छठी ग्रह से जो भी आते हैं यही प्रवेश मार्ग है और ये सामने में प्रेम मंदिर है। और आज जो शाही स्नान जो हुआ हमारे वृंदावन के अंदर में, और ये देखिए भीड़ का नज़ारा, काफ़ी दूर तक भीड़ का नज़ारा है। करीब करीब अनुमानित लगभग करीब 20 लाख लोग आज हमारे वृंदावन के अंदर में आए होंगे शाही स्नान करके। और ये देखिए ये सभी संत महात्मा ये जा रहे हुए स्नान करके आ चुके हैं, शाही स्नान करके अभी आए हुए हैं। काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर संतों का देखिए, बहुत सुंदर दिव्य स्वरूप संतों के यहाँ पर आप दर्शन कर रहे हैं। बहुत सुंदर दिव्य संतों के यहाँ पर आप दर्शन कर रहे हैं। अभी शाही स्नान करके अपने निकले हुए हैं सब यमुना जी के अंदर से। श्री धाम वृंदावन के राधा श्याम सुंदर मंदिर के प्रबंधक महोदय आचार्य जी अभी यमुना का कुंभ स्नान करते हुए, और स्नान के बाद में महाराज जी से कुछ चर्चा करूंगा कि ये आज की जो जल देख रहे हैं यमुना जी का, इसमें जल का क्या संशोधन हुआ प्रशासन के द्वारा। हमारे श्री धाम वृंदावन से राधा श्याम सुंदर मंदिर की और नगर भ्रमण करके अभी आए हैं वृंदावन से। अभी स्नान करके ये जा रहे हैं, देखो संत स्नान करके ये आ चुके हैं, अब अपने पंडाल पर सब जाते हुए। उधर भी देखे बहुत सुंदर संतों का ये देखे, बहुत सुंदर संतों का ये दृश्य आप नजर कर रहे हैं। हमारे श्री धाम वृंदावन के अंदर में खूब ढोल मजीरा से नृत्य गान करते हुए स्नान को जाते हुए, स्नान करके आते हुए ये हमारे युवराज जगत गुरु पीठाधीश्वर श्री जी महाराज जी युवराज जी हमारे साथ में दर्शन कर रहे हैं आप जो है जगत गुरु। और हमारे कुंभ क्षेत्र में बाहर से आए हुए संतों के द्वारा और ये धुनी तपते हुए, छठ धुनी है यहाँ पर, छह धुनी यहाँ पर इस समय, परंतु इस समय दो संतों के द्वारा धुनी तपी जा रही है। और यहाँ से अभी संत धुनी तप करके निकल चुके हैं, एक संत भगवान अंदर में भी विराज रहे हैं। और ये बहुत ही विलक्षण संतों के दर्शन यहाँ पर आप देखेंगे। भोगी संत नहीं है, आजकल भोगी संतों का भी दर्शन बहुत होते हैं, परंतु ये तपस्वी संत हैं जो कि संसार के मोह माया से इनको कोई वो नहीं है। ये तो समय पर ही भक्तों को दर्शन देने के लिए और अपने स्थान से बाहर निकलते हैं।